वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ये टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसमें nth डेरिवेटिव का सेकंड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू कॉस x इंटू कॉस 2x। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूला इसका यूज करेंगे जो हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के 10th लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो 10th लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उसमें आपको nth डेरिवेटिव के सभी फार्मूलेज मिल जाएंगे। वो फार्मूलेज अगर आपको पता है तो आप कोई भी nth डेरिवेटिव का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। फिर भी वो फार्मूलेज क्या थे वो यहां पे एक बार आपको पहले बता देते हैं। देखो ये फार्मूलेज है, ये है nth डेरिवेटिव के फार्मूले और ये हमने 10th लेक्चर में इसको हमने पूरा आपको एक्सप्लेन करा के दिए थे। ये फार्मूलेज आप अपने नोटबुक में लिख के रखो, यही फार्मूलेज से हम आज का प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आज जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, देखो इसमें हमें ये जो फंक्शन है y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू कॉस x कॉस 2x, इसका हमें nth डेरिवेटिव अगर निकालना है तो यहां पे देखो यहां पे x की तीन टर्म्स है, पहला है एक्सपोनेंशियल, दूसरा है cos x और तीसरा है cos 2x। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि जो फार्मूलेज हैं फार्मूलेज में से कौन सा फार्मूला इसके साथ मैच करेगा वो हम पहले चेक करके देखते हैं। देखो फार्मूलेज आपके सामने है, अगर आप ये फार्मूलेज को प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहां पे x का एक टर्म है, यहां पे भी एक ही टर्म है, यहां पे भी x का एक टर्म है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, लेकिन ये जो दो फार्मूला है फार्मूला नंबर 9 और 10, इसमें आप देख सकते हैं x की दो टर्म्स है, पहला है एक्सपोनेंशियल और दूसरा है साइन, इसमें है एक्सपोनेंशियल और दूसरा है कॉस। तो यहां पे दो दो टर्म्स है, जबकि आज जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना उसमें x की तीन टर्म्स है। इसका मतलब यहां पे जो हमने फार्मूलेज आपको बताए हैं उसमें से कोई भी फार्मूला यहां पे मैच नहीं कर रहे हैं। अगर दो एक्स की टर्म्स होते तो हमने ये दोनों में से कोई ना कोई एक फार्मूला यूज किए होते। इसके पहले का जो प्रॉब्लम था उसमें दो टर्म्स थे तो वहां पे हमने ये फार्मूले का यूज किए थे, लेकिन अगर यहां पे कोई भी फार्मूला अगर मैच नहीं कर रहा है तो हमें एक काम करना पड़ेगा, यहां पे जो तीन टर्म्स है एक्स की तीन में से हमें एक टर्म को यहां से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सबसे पहले ये जो गिवन फंक्शन है वो हम यहां लिख लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो किस तरह से ये सॉल्व होता है, तो देखो सबसे पहले यहां पे गिवन, देखो गिवन फंक्शन हमने यहां लिखा है और जैसा हमने कहा यहां पे x की तीन टर्म्स है, तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो तीन में से एक टर्म को हमें अगर निकालना है तो एक काम करेंगे, यहां पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो ये cos x इंटू कॉस 2x है, इट मीन्स cos a cos b का फार्मूला यहां पे यूज हो सकता है, बिल्कुल यूज हो सकता है। क्या है फार्मूला, चलो अगर आपको फार्मूला नहीं पता लिख के देते हैं, अगर आपके पास नहीं है तुरंत लिख के रखो। cos a इंटू कॉस b का फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, ये फार्मूला है, इसका हमें यहां पे यूज करना है। ये फार्मूला यहां पे किस तरह से यूज होगा, देखो अगर आप ये फार्मूला यूज करोगे तो आसानी से यहां पे जो तीन टर्म्स है x की उसमें से एक टर्म जो है वो हट सकती है। ठीक है, तो चलो हम इसका यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो cos a cos b के फॉर्म में है ना, तो a क्या है b क्या है वो समझना जरूरी है आपको। ठीक है, cos a cos b, देखो यहां पे cos x cos 2x, इट मींस a का वैल्यू है x और b का वैल्यू है 2x। ये देखो cos a cos b, a b, तो यहां पे भी आता है a प्लस बी और यहां आता है a माइनस बी, तो a है x और b है 2x, है कि नहीं। ये a के प्लेस पे है और ये b के प्लेस पे है, तो चलो हम ये फार्मूला यहां पे यूज करेंगे और उसके बाद हम nth डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आसानी से हो सकता है फिर आगे चल के सॉल्व। तो सबसे पहले e टू द पावर x बाहर रखो, ठीक है, और इसको एक कर्ली ब्रैकेट में दे दो और इसका हमें फार्मूला यहां पे अप्लाई करना है 1/2 और अब ब्रैकेट में कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस टू एक्स प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस ऑफ टू एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, कर्ली ब्रैकेट पूरा। ये देखिए इस तरह से हमने ये फार्मूला वहां पे यूज किया है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करो तो ये होगा, और एक काम करो सॉल्व करते समय ये एक्सपोनेंशियल से अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 1/2 बाहर रहो, ठीक है ना, 1/2 बाहर रखे, और अगर आप 1/2 बाहर रखते हैं तो ये हो जाएगा
ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ 3x, ठीक है, इस तरह से पहले इसमें x प्लस 2x यानी 3x, और यहां पे एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ x, ये देखिए इस तरह से, यहां पे x माइनस 2x है, x माइनस 2x यानी माइनस x, तो कॉस ऑफ माइनस x, तो कॉस ऑफ माइनस x कॉस x होता है, फिर भी यहां पे अगर आप बोलते होंगे तो हम यहां पे चलो लिख के देते हैं, अगले स्टेप में वो माइनस को हटा देंगे, ये देखिए ऐसा करें, ठीक है, और अब अगले स्टेप में हम माइनस को वहां से हटा देंगे, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा होता है, ठीक है, अब देखो यहां से माइनस को हटा देंगे, तो अब ये हम ओनली एक्स लिखते हैं, ये देखिए फाइनली ये हमने यहां पे ये हमने वाई तैयार कर लिए, और अब इसके अंदर में जो है ये देखो यहां पे ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस, ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस, इट मीन्स यहां पे nth डेरिवेटिव का फार्मूला नंबर 9 यूज हो सकता है। क्या है फार्मूला, अगर हम फार्मूलिस की बात करें तो ये देखो फार्मूला आपके सामने है, e टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस यानी एक्सपोनेंशियल इंटू कॉस, ठीक है ना, तो यहां पे हम यूज कर सकते हैं, ये देखो एक्सपोनेंशियल इंटू कॉस यहां भी यूज हो सकता है और यहां भी यूज हो सकता है, फार्मूला नंबर 9। चलो फार्मूला नंबर 9 यहां पे लिख लेते हैं, कौन सा फार्मूला है हमें यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, तो हम यहां लिख लेंगे, तो ये देखिए फार्मूला हमने यहां मेंशन कर लिया है, काफी ये लंबा स्टेप गया है, ठीक है, तो ये फार्मूला हमें यहां पे यूज करना है, तो ये फार्मूला कौन सा है, फार्मूला नंबर 9 है जो अब हम यहां पे यूज करने वाले हैं, और इसी का यूज करके हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ये फंक्शन आपके सामने है, और इसके अंदर जो है एक्सपोनेंशियल इंटू कॉस यहां पे दो बार है, इसका मतलब ये जो फार्मूला है यहां पे दो बार अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो, दो बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा तभी आप उसका nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इसके पहले जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम जो लिए थे उसमें एक ही था, एक ही बार अप्लाई किए थे, लेकिन यहां पे दो बार अप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर आपको यहां पे दो बार अप्लाई करना है तो यहां पे ए बी सी का वैल्यू क्या है वो हमें पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है, ई टू द पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, देखो एक्स का कोएफिशिएंट ए होता है और कॉस के अंदर एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है और कॉन्स्टेंट टर्म सी होता है, तो अगर हम यहां पे प्रॉपरली चेक करें, अगर हम यहां चेक करेंगे तो कुछ देखो इसमें अगर हम पहले अगर देखें तो यहां पे x का कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब a का वैल्यू 1 है, यहां x का कोएफिशिएंट 3 है यानी b का वैल्यू 3 है, और c का वैल्यू यहां पे 0 है, यहां पे x का कोएफिशिएंट 1 है मतलब a का वैल्यू 1 है, यहां b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं हियर a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 3 एंड c का वैल्यू क्या है 0 फर्स्ट टर्म में यहां पे, और इसके अंदर अगर हम चेक करेंगे तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 0 है, आपको बस ये a b c के तरफ ही ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसमें भी हमने a b c चेक कर लिए, इसमें भी हमने a b c चेक कर लिए, इसके जो a b c है वो यहां पे है ये है, और इसके जो a b c है वो यहां पे है, ये a b c इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बस आपको यही a b c उठा के ये फार्मूले में पुट करना है और उसको फिर सॉल्व करना है जब तक वो सॉल्व हो रहा है, तो चलो हम यहां पे जो है यहां पे सॉल्व करेंगे, ये काफी लंबा जाएगा इसलिए हम इधर से लिखते हैं लेफ्ट साइड से, तो हम यहां पे लिख लेंगे सबसे पहले yn यानी nth डेरिवेटिव जो हमें निकालना है, तो सबसे पहले 1/2 बाहर में है, तो देखो 1/2 बाहर रखो, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले e टू द पावर x * cos 3x, इसमें ये फार्मूला अप्लाई करो, तो देखो क्या है a स्क्वायर + b स्क्वायर n / 2, तो a क्या है 1, b क्या है 3, तो हम यहां लिख लेंगे a स्क्वायर यानी 1, b स्क्वायर यानी 9 टू द पावर n बाय 2, तो n बाय 2, आप कहेंगे n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो जो भी सॉल्व होगा वो n के फॉर्म में ही सॉल्व होगा, ठीक है, n के फॉर्म में ही सॉल्व होगा, तो ये हो गया, उसके बाद e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, तो e टू द पावर ए एक्स यानी e टू द पावर x कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी यानी 3x प्लस सी का वैल्यू 0 प्लस n tan इनवर्स ऑफ b बाय a यानी b का वैल्यू 3 a का वैल्यू 1, ये देखिए फाइनली हमने यहां पे nth डेरिवेटिव फर्स्ट वाले इसमें हमने nth डेरिवेटिव का फार्मूला यूज किए तो हमें ये रिजल्ट मिला है, ठीक है, और अब इसके बाद देखो क्या है प्लस, अब हमें इसमें nth डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो फार्मूला आपके सामने है, a b c का वैल्यू भी आपके सामने है, बस इसमें a b c ये पुट करो और जो भी रिजल्ट है वो यहां लिखो, 1 प्लस 1 टू द पावर n बाय 2 क्योंकि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, e टू द पावर x क्योंकि a का वैल्यू 1 है, उसके बाद cos ऑफ x + 0 + n tan इनवर्स ऑफ 1 / 1,
और कर्ली ब्रैकेट पूरा। तो ये देखिए फाइनली हमने फार्मूलीज का यहाँ पे यूज़ किया है और इस तरह से यहाँ तक हमने फार्मूले का यूज़ करने के करके एबीसी का वैल्यू पुट किया है फार्मूले में। तो ये हमने ऐसा लिख लिया है। अब इसको तब तक सॉल्व करो जब तक ये सॉल्व हो रहा है, जब तक ये रिड्यूस हो रहा है, जहां तक ये रिड्यूस हो रहा है इसको रिड्यूस करो। जहां आपको लगा कि अब ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो वहीं पे उसको स्टॉप करो, वही उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें नीचे सॉल्व करना है। तो हम यहां पर लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में वाई एन एज इट इज, राइट हैंड साइड में 1/2, और अब ये क्या रहेगा 1+9 यानी 10, तो ये 10^n/2 हो जाएगा e^x। ठीक है, ये cos ऑफ यहां पे 3x और प्लस n tan inverse of 3 क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, tan inverse of 3 का फार्मूला नहीं बनता है। तो tan inverse of 3 एज इट इज रखो प्लस 1+1 यानी 2 2^n/2, उसके बाद e^x एज इट इज, उसके बाद यहां पे cos ऑफ x प्लस n tan inverse of 1 क्या होता है, tan inverse of 1 होता है π/4। ठीक है ना, तो हम उसके जगह π/4 यहां पे पुट कर लेंगे। और कहीं कुछ हो सकता है क्या सॉल्व, नहीं, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब हमें अब इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, बस tan inverse of 1 के जगह हमें π/4 पुट करना है। इसी को कॉपी कर लेते हैं स्टेप को, और इसके नीचे में हम इसका रिजल्ट लिख लेंगे। बस ये हटाना है यहां पे, tan inverse of 1 के जगह हम यहां पे लिख लेंगे π/4। तो अगर यह π/4 लिख लेंगे तो n से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा n π/4, और ये यहां तक फार्मूला लिख के देते हैं आपको। देखो फार्मूला अगर आपको नहीं पता लिख के देते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, जहां तक आपको ये पता होगा शायद, tan ऑफ π/4 1 होता है, तो tan को उधर शिफ्ट करो तो tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये फार्मूला है ओके, जो हमने यहां पे यूज किए, tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह π/4 रखे, इनटू n है तो n π/4 हो गया। यहां तक हमने सॉल्व किया, क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है, नहीं, ये और आगे कुछ भी सॉल्व नहीं होता और ये रिड्यूस नहीं होता, तो ये आपको यही पे स्टॉप करना पड़ेगा, ये 1/2 बाहर ही रहने देना पड़ेगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, रिजल्ट है, और यहां पर हम लिख लेंगे यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और फाइनली प्रॉब्लम यही पे कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ जाए। तो देखते हैं एक सिंगल स्क्रीन में ये आता है क्या, क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया था वाई, उसका हमें nth डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा था, तो हमने उसका nth डेरिवेटिव यहां पे निकाल लिए और हमें ये सॉल्यूशन मिला है, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, किस तरह से हमने फार्मूला यूज किए वो भी आपको समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज होता है, और वो फार्मूलीज में आपको एबीसी का वैल्यू पुट करके कैसे उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है, बस ये इसमें होता है। बाकी इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएंगी, अभी तो ये बिल्कुल इनिशियल लेवल के प्रॉब्लम्स है, थोड़े से ईजी जाएंगे, लेकिन आगे चल के जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है जो एग्जाम में आता है वो भी हम आगे चल के लेंगे, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ये टॉपिक में nth डेरिवेटिव का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके आने वाले दिनों में हमें इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करना है ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।